थ्री प्लस आयन इज अनस्टेबल इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में Mn3+ आयन अनस्टेबल होता है एंड अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन टू गिव Mn2+ एंड Mn2 एंड H+। इसमें सारा कुछ दे ही दिया, ठीक है ना। Mn3+ क्या बन रहा है, Mn2+ बन रहा है, MnO2 बन रहा है, और एसिडिक मीडियम में तो H+ आयन है। आपको इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो बैलेंसिंग का क्वेश्चन पूछ लिया उसने। बैलेंसिंग हो तो आप मास्टर हो, कर ही लोगे। स्केलेटल इक्वेशन तो लिख ही लिया हमने, तो राइट स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिख लिया ना हमने। फिर क्या है, अब ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, मैंगनीज रिड्यूस हो रहा है और Mn3+ ही ऑक्सीडाइज होकर यहाँ प्लस फोर में जा रहा है ना। ये देखो MnO2 में मैंगनीज प्लस फोर में है, ठीक है। चलो अब आप दोनों के एन फैक्टर फाइंड करिए सेपरेटली, फाइंड आउट स्पीशी अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और फाइंड आउट करिए हर स्पीशी के एन फैक्टर। इन दिस रिएक्शन Mn3+ इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन भी Mn3+ की हो रही है और रिडक्शन भी Mn3+ की हो रही है। एन फैक्टर ऑफ Mn3+ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज फाउंड सेपरेटली, दोनों का अलग अलग फाउंड करेंगे। तो दो अलग अलग लिख लिए, यहाँ 3+ से 2+ रिडक्शन है, चेंज कितने का है, एक का। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एक, तो 1 × 1 1, एन फैक्टर 1 हो गया। यहाँ हमने फाइंड किया एन फैक्टर ऑफ Mn3+ अंडरगोइंग रिडक्शन, ये वाला इज इक्वल टू नंबर ऑफ Mn एटम्स इन Mn3+ इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, 1 × 1 इज इक्वल टू 1। इसका देखो जो ऑक्सीडेशन जा रहा है, चेंज कितने का, +3 से +4, चेंज है एक का, 1 का। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1, तो 1 × 1 इज इक्वल टू 1। दोनों का एन फैक्टर 1 था, दोनों का एन फैक्टर 1 था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एन फैक्टर के साथ, दोनों को 1 1 के साथ, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या बैलेंस करेंगे, कोड है AO HC, C तो यहाँ होता ही नहीं है। तो पहले एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो इस पर्टिकुलर मैंगनीज को बैलेंस करना है आपको, जितने मैंगनीज रिड्यूस हो रहे हैं वो बैलेंस होने चाहिए। यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। जितने मैंगनीज ऑक्सीडाइज हो रहे हैं वो भी बैलेंस होने चाहिए। यहाँ मैंगनीज एक है, यहाँ भी एक है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये बात समझ में आ गई ना, ये इस पर्टिकुलर हाफ रिएक्शन में और इस पर्टिकुलर हाफ रिएक्शन में बैलेंस्ड होने चाहिए मैंगनीज, ठीक है। ओके तो ये हमने कर लिया, तो हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ आ गए हम। फिर क्या करना है, बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग वाटर। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 2, यहाँ है ही नहीं, तो रिएक्टेंट साइड में 2 दो वाटर वाटर डाल देता हूँ मैं, क्योंकि 2 ऑक्सीजन वहाँ कम था, डाल दिया। अब क्या, AOHC है, ए हो गया, ओ हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे कैसे, H+ यूजिंग H+ आयन्स। तो इधर कितने हाइड्रोजन है, 4, इधर 0, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो 4 H+ डाल दिए, हो गया बैलेंस। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन डन। आपको तो चेक करना हो ना, इसका चार्ज चेक कर सकते हो, चेक करने के लिए तो बैलेंस ही आएगा। देखो कितना है, +6 है, इधर कितना है, +2, और +4 +6, ऑटोमेटिकली बैलेंस ही आएगा। अगर चार्ज बैलेंस नहीं आया ना, मतलब आपने गलती करी है कहीं पे, आना चाहिए चार्ज बैलेंस, ठीक है। अगला, सिलेक्ट द पॉसिबल नॉन मेटल्स दैट कैन शो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। कुछ ऐसे नॉन मेटल बताइए जो डिसप्रोपोर्शनेशन शो कर सकते हैं। सिलेक्ट 3 मेटल्स दैट कैन शो डिसप्रोपोर्शनेशन, 3 मेटल बताइए जो डिसप्रोपोर्शनेशन शो कर सकते हैं। नाम पूछ लिए, देखो पहले तो बताओ डिसप्रोपोर्शन होता क्या है। इन ए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। सेम ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है और रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। वन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशी इन ए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑलवेज कंटेन ए एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट इन एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये बात समझ में आती है, अगर किसी चीज को ऑक्सीडाइज भी होना है रिड्यूस भी होना है, तो कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो शो करे, तभी तो होगा। नहीं समझ आ रही बात है,
एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट. जो रिएक्ट करता है वो किसी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है. एग्जाम्पल फिर से बताओ, पी फोर क्या बनाता है? PS3 और H2P2O- ये बनाता है ना. यहाँ पे फॉस्फोरस -3 में है, यहाँ पे +1 में है, 0 में है. तो 0 से उसने रिड्यूस भी होना है और 0 से उसने ऑक्सीडाइज भी होना है. तो जो रिएक्टेंट साइड है वो किसी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, ताकि वहां से वो ऑक्सीडाइज भी हो सके, वहां से वो रिड्यूस भी हो सके. बीच में होना चाहिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना. और मिनिमम 3 होने चाहिए. तो हाँ, एज बोथ हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन. तो डिस्प्रोपोर्शनेट होने की कंडीशंस क्या है? मिनिमम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो शो करना ही चाहिए. दूसरा, जिस एलिमेंट ने डिस्प्रोपोर्शनेट होना है वो किसी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, एक्सट्रीम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस इंटरमीडिएट ने ऑक्सीडाइज भी होना और रिड्यूस भी होना, ठीक है ना. ओके, तो 3 नाम पूछे थे, बता दिए. फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शन शो करते हैं इन एल्कलाइन मीडियम, दिखाया नीचे. ये रिएक्शन हमने कितने बार लिख ली कि P4 PS3 नेगेटिव और H2PO4- देता है, कितनी बार लिख ली ना हमने. ये रिएक्शन याद ही कर लो, ये मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फॉस्फाइन है. आपको रिएक्शन नहीं याद करनी. अब आपने याद क्या करना है कि P4 डिस्प्रोपोर्शनेट होकर -3 और +1 में चला जाता है. तो -3 में PS3 बनाता है, +1 वाले में H2PO2- बनाता है. समझ आ गई बात है? बैलेंस तो कर लोगे अब रिएक्शन को. पूरी रिएक्शन थोड़ी रटते फिरोगे. मैंने देखा स्टूडेंट्स को पूरी रिएक्शन रटते फिरते हैं. P4+3+3 वाटर है, भगवान कैसे करते हैं पता नहीं. समझ में आ गया? तो P4 डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, रिएक्शन बना लोगे इसकी. अब बैलेंसिंग तो आप कर ही लोगे ऊपर टॉपिक्स में. फिर देखो, क्लोरीन की डिस्प्रोपोर्शनेशन ना दो होती है. अभी मैंने आपको Cl2 ना, यहाँ बोलोगे भाई आपने यहाँ ClO- बना दिया, ऊपर तो बोल लेते ClO3- बनाना होता, ठीक है ना. एक्चुअली ये ना दो करता है शो. Cl2 को अगर आप OH नेगेटिव के साथ करोगे ट्रीट, और ये डाइल्यूट है, अगर ये डाइल्यूट है तो Cl- और ClO- बनेगा. अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड है, Cl2+OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेटेड अगर है और थोड़ा सा हीट कर दो, तो ये Cl- और ClO3- ही बनता है फिर से, क्योंकि जब हीट करते हो ना तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है. फिर से ये डिस्प्रोपोर्शन हो के ये और Cl- बना देता है, तो फिर यही बन गया ना. तो ओके, तो क्लोरीन के दो रिएक्शन है, एक डाइल्यूट OH- के साथ, एक कॉन्सेंट्रेटेड OH- के साथ. कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ये ClO3- और Cl- बनाता है, डाइल्यूट के साथ Cl- और ClO- बनाता है. तो मैंने यहाँ डाइल्यूट के साथ, हालांकि इतना डिटेल +2 में तो मैंने यहाँ शो नहीं किया, मैंने सिर्फ उसने एक रिएक्शन पूछा था, मैंने लिख दिया, ठीक है. पर ये डाइल्यूट के साथ है, टू बी मोर स्पेसिफिक. तो ये रिएक्शन शो कर दी, बैलेंसिंग कर लेना, वो तो हम सीख ही चुके हैं ऊपर. फिर देखो S8, ये रिएक्शन हमारे लिए अभी नहीं है, अभी तक हमने ये करी नहीं है. S8 जो है वो सल्फाइड और थायोसल्फेट में डिस्प्रोपोर्शनेट करता है. ओके, सल्फर S8 किसमें कर रहा है? सल्फाइड S2- और थायोसल्फेट. थायोसल्फेट क्यों बोलते हैं? देखो ये सल्फेट होता है ना, SO4- क्या होता है? सल्फेट. इसकी स्ट्रक्चर देखो क्या होती है, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है ना. एक O हटा के एक S कर दो, एक O हटा के एक S कर दो, तो S2O32- हो गया. इसको थायोसल्फेट बोलते हैं, ठीक है. थायोसल्फेट में +2 में इसका एवरेज ऑक्सीजन नंबर +2 होता है, तो ऑक्सीडाइज हो गए, तो रिड्यूस भी होगा ऑक्सीडाइज भी होगा, ये बात याद कर लेना. तो आपको याद क्या करना है, S8 जब डिस्प्रोपोर्शनेट करता है एल्काइन मीडियम में तो सल्फाइड और थायोसल्फेट बनता है. उसके बाद बैलेंसिंग तो आप कर ही सकते हो बेसिक मीडियम में, वो तो हमने सीख ली ऊपर बैलेंसिंग कैसे करनी है. तो हमने 3 नॉन मेटल बता दिए, सल्फर, क्लोरीन और फॉस्फोरस. इनके रिएक्शन भी आपको, ये होमवर्क है आपका, आप ये बैलेंस करके अपने आप देख लेना, ठीक है. अगला, उसने 3 मेटल पूछे थे, अभी एक मेटल तो ऊपर ही आया था, Mn3+ अनस्टेबल होता है, क्वेश्चन में आया था ना. Mn3+ अनस्टेबल होता है, वो डिस्प्रोपोर्शनेट करके Mn2+ और MnO2 बनाता है. ऊपर ही आई थी रिएक्शन, ये एक मेटल बता दिया हमने. अगला, कॉपर प्लस भी अनस्टेबल होता है एक्वा सोल्यूशन में, वो कॉपर और कॉपर 2+ में डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है.
ये रिएक्शन 12th में डी ब्लॉक में आपके सिलेबस की रिएक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ लिखी है। ओके कि एक्वा सोल्यूशन में कॉपर प्लस अनस्टेबल होता है, वो डिसप्रोपोर्शनेट कर जाता है कॉपर 2 प्लस और कॉपर में। ओके फिर ये भी आपके सिलेबस की रिएक्शन है, पर मैं ये है मैंगनेट आयन, मैंगनेट आयन है ये है पर मैंगनेट, पर मैंगनेट आयन ये है मैंगनीज डाइऑक्साइड ये, ठीक है ना। जब ना मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट आएगा आपके डी ब्लॉक में 12th में कंपाउंड आएगा पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट का मेथड ऑफ प्रेपरेशन आएगा, उसमें होता है इसकी डिस्प्रोपोर्शनेशन से, मैंगनेट की डिस्प्रोपोर्शनेशन से। तो मैंगनेट में यहाँ प्लस 6 में है, प्लस 6 से डिस्प्रोपोर्शन होकर क्या बन रहा है प्लस 7 और प्लस 4, प्लस 7 मतलब MnO4 माइनस, प्लस 4 मतलब MnO2। ओके ये रिएक्शन आपको वैसे भी याद करनी पड़ेगी 12th में। तो प्लस 6 से प्लस 7 और प्लस 4 चला गया, कंपाउंड के नाम आप बना सकते हो, फिर रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो, वो बैलेंसिंग हम सीख ही चुके हैं, ये आपका होमवर्क है।